समय हो गया है इस मारुति 1000 के टाउन साइट जाने का, पर हमेशा की तरह इस कार ने अपना रुख किया अंधेरी के शिव मंदिर की तरफ। अंधेरी की इस कॉलोनी में शायद ही कोई दुकानदार या कोई रहने वाला हो जो इस कार को ना पहचानता हो। आंधी आए या बरसात, पिछले 4 साल से रोजाना नियम से ये कार यहां आती रही है। और जैसे ही इस कार के मालिक म्यूजिक किंग पिन गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले, इस शांत कॉलोनी की खामोशी और भी बढ़ गई। लेकिन इस खामोशी में भी मंदिर की घंटियों की गूंज गुलशन कुमार के साथ चलती रही। गुलशन कुमार अपनी गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि 3 गोलियों की आवाज ने जैसे सब कुछ पल भर के लिए खामोश कर दिया था। चंद पलों बाद ही गुलशन कुमार बॉलीवुड की बिगेस्ट म्यूजिक सक्सेस स्टोरी वॉज डिक्लेयर्ड डेड इन जुहू कूपर हॉस्पिटल। जब ये खबर आई थी उनकी हत्या के बारे में, तो हम लोग कह रहे थे कि बहुत ही घटिया किस्म का र्यूमर है या जोक है, जस्ट इग्नोर इट। फ्रेंकली स्पीकिंग, उनकी एकदम से ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी कि वो ऑन द स्पॉट, बिकॉज दे हैड केप्ट दैट न्यूज़ लिटिल लिंगरिंग आई थिंक। जैसे ही मैंने टेलीविजन में ये न्यूज़ देखी, सीधा मैंने उसको पकड़ लिया, यू नो, और मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। इट वॉज अ ब्लो टू everybody, you know, everybody who was in music and who has loved music. पूरा देश चौंक गया था, बॉलीवुड सदमे में था, क्योंकि गुलशन कुमार की सक्सेस स्टोरी नॉर्थ इंडिया में किसी फोकलोर से कम नहीं थी। दिल्ली में सड़क किनारे जूस बेचने से लेकर 4 बिलियन की सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का एम्पायर खड़ा करना, गुलशन कुमार ने हर आम आदमी की आंखों में सपने देखने की हिम्मत दे दी थी। और अब जब 1997 में उनकी जिंदगी की दास्तां यूं बेरहमी से अचानक खत्म कर दी गई, बॉलीवुड सफर्ड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट लॉसेस, बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज, जहां हम आपके सामने ऐसे केसेस के राज खोलेंगे जिन्होंने बॉलीवुड की जड़ों को हिला कर रख दिया था। गुलशन कुमार के मर्डर के अगले ही दिन उनके प्रोटेजी सोनू निगम ने खुलकर सबके सामने कहा कि गुलशन कुमार को कई दिनों से दुबई के अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम से एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे थे, जिन्हें गुलशन कुमार काफी समय से नजरअंदाज कर रहे थे। पहली बार उस मौत से एक अंडरवर्ल्ड और फिल्मी दुनिया का कनेक्शन भी, जो हमेशा बात होती थी, लेकिन खुलकर सामने आया था। इसके अलावा उनके मौत के 3 महीने पहले ही रिपोर्टेडली गुलशन कुमार के कलीग नदीम ऑफ नदीम श्रवण फेम ने सरेआम उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। किसी बिजनेस डील को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। माय ब्रदर इज जेन्युइन पर्सन, यू नो, वो कहीं दूर दूर तक चींटी भी नहीं मार सकते। वो कॉकरोच से इतना डरते हैं कि कॉकरोच देखते हैं तो उनकी जान घबरा जाती है। तो आप ये समझिए कि एक बंदा, एक कंपोजर, आप समझ रहे ना, एक खुदादाद कंपोजर है वो, नेचुरल गॉड गिफ्टेड कंपोजर है, उसके दिल में ऐसी बात कभी आ ही नहीं सकती। टिप्स कैसेट के ओनर रमेश तुरानी की तरफ भी उंगलियां उठने लगी। तुरानी गुलशन कुमार के सबसे पुराने बिजनेस राइवल थे, जिन्हें रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलशन कुमार की सफलता से बहुत नुकसान भी हुआ था, और गुलशन कुमार को एलिमिनेट करने के लिए ये एक पोटेंशियल रीजन हो सकता था। सभी के रिएक्शंस वर रियली शॉकिंग, बिकॉज डिडंट रियली रियलाइज कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप इतने एनिमीज पैदा कर लेते हैं कि आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। खबरों के मुताबिक गुलशन कुमार की मौत से तकरीबन 1 महीने पहले गुलशन कुमार को उनके मोबाइल फोन पे एक कॉल आया। कॉलर ने उन्हें दुबई के नंबर पर कॉल बैक करने को कहा, और जब गुलशन कुमार ने पलट कर फोन किया तो दूसरी तरफ फोन उठाया अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम ने, और उसने गुलशन कुमार से 10 करोड़ की फिरौती की मांग की। भले ही इस डिमांड को फिरौती का नाम दिया गया हो, लेकिन मुंबई में उस वक्त फिरौती यूजुअली प्रॉफिट शेयरिंग पर ही होती थी। उस वक्त सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज रोज 3 लाख कैसेट की सेल करती थी, मतलब सीधे सीधे
1 करोड़ का मुनाफा, इसलिए गुलशन कुमार से 10 करोड़ की डिमांड कुछ ज्यादा नहीं थी। Some of those people who did not make it as big as him were tracking him to get the prize he won. It's like a tiger hunting his meat, and you see the hyenas following and trying to grab the portion of the meat. And this is the law of the jungle. Gulshan Kumar film industry में लंबे अरसे से underworld dons की परवाह किए बिना अपना business कर रहे थे। उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया। बार बार धमकियों के बावजूद भी गुलशन कुमार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गुलशन कुमार वाज लाइक अ किंग, और उनके आगे पीछे जो सिक्योरिटी थी और उनका जो बड़ा एम्पायर था, यू वुड हैव थॉट कि ये बिल्कुल सुरक्षित होंगे, कि इनको कोई टच नहीं कर सकता है। उनका जो पीक था दैट अनफॉर्चुनेटली कोइंसाइडेड विद द राइज ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और अब तो डी कंपनी को इग्नोर करना बॉलीवुड के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। कहा जाता था कि केवल 2 महीनों के अंदर अबू सलीम ने बॉलीवुड की 20 टॉप फिल्म पर्सनालिटीज को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया था। द फिगर्स दैट ही हैड कोटेड वर 100 crores। अंडरवर्ल्ड के थ्रेड्स उस वक्त सबको आ रहे थे, ये बात सबको पता है। 4-5 लोगों को और भी आए थे, सुभाष जी को, राजीव राय को, बहुत लोगों को आए थे। तो ये तो इस चीज़ से सब इंडस्ट्री में बहुत एक क्या बोलते हैं, बहुत डर गई थी इंडस्ट्री उस वक्त, बहुत दुख हुआ सब। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 95% ऑफ मूवी प्रोड्यूसर्स ने बिना किसी को कुछ बताए अंडरवर्ल्ड को पैसे देने में ही अपनी भलाई समझी। बिल्डर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या फिल्म मेकर हो, किसी को भी एक एक्सटॉर्शन कॉल अगर आएगा तो उनको बहुत ही मुश्किल है उस पर एकदम करेक्ट रिएक्शन करने के लिए। एक आदमी हो सकता है जो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, और 10 आदमी होंगे जो छुपके से जाके सौदा करके आ जाएंगे। आज तक अंडरवर्ल्ड की डिमांड को मना करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, और जिसने की थी वॉज मेड टू लर्न अ फॉरबिडिंग लेसन। अनफॉर्चुनेटली उस हत्या के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि whether you given or you don't given, your life is on a short leash. एक जमाना होता था जहां कहते थे कि there is a code of ethics amongst gangsters, but the new breed of gangsters didn't have that code of ethics, I think. तो फिर you are not doing a business with them anymore. So I think वो reality must have hit to the industry people that there is no code of ethics. So what are we doing business with them for? Why are we listening to anybody's threat? There has always been an officially unconfirmed bonding between Bollywood and the underworld. वो underworld ही था जिन्होंने identify किया कि Bollywood में बहुत पैसा है। Money makes the world go around, and underworld was no exception. अगले 3 हफ्तों में पुलिस ने काफी संदिग्धों को पकड़ा। खबरों के मुताबिक all belong to अबू सलीम fraction of दाऊद इब्राहिम gang। उसमें से एक 57 साल का होटल employee मोहम्मद अली शेख था। अली शेख के गिरफ्तार होते ही एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। उसने कहा कि वो भी उस मीटिंग में मौजूद था जो दुबई में गुलशन कुमार को खत्म करने के लिए की गई थी। जून के महीने में दुबई में एक मीटिंग रखी गई जिसे अटेंड किया था खुद दाऊद इब्राहिम, दाऊद एसोसिएट अबू सलीम, अनदर एसोसिएट कयूम, दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम और म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी ने। एट द टाइम ऑफ दिस डिस्क्लोजर नदीम लंदन में अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे थे, और उनकी इस गैर मौजूदगी से पुलिस का शक उन पर और भी गहरा हो गया। पुलिस ने उनके फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम से बातचीत की थी, और वो बातचीत गुलशन कुमार के मर्डर के सिलसिले में ही की थी। इंस्टेंटली ऑन 1st of September पुलिस कमिश्नर राहुल एच मेंडोसा कॉल्ड फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और रिपोर्टर्स से भरे हुए कमरे में उन्होंने अनाउंस किया कि गुलशन कुमार को मारने वाले गुंडों को
नदीम ने ही हायर किया था। मेंडोसा ने खुलासा किया कि नदीम को लगा कि गुलशन कुमार उनका करियर खत्म कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दुबई में डी कंपनी के साथ ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की। कुड नदीम किल गुलशन कुमार? ऑल ऑफ बॉलीवुड वॉज यूनाइटेड इन दिस बिलीव। मैं नदीम को मिली थी लंदन में और उन्होंने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के मुझे कहा कि आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गुलशन कुमार के लिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर नदीम, कुछ दिन पहले ही नदीम ने पब्लिक में गुलशन कुमार के खिलाफ काफी कुछ बुरा भला कहा था और ये बात सभी लोगों की याददाश्त में ताजा थी, इसीलिए कोई इनकी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। इसी साल की शुरुआत में ही नदीम की सोलो एल्बम हाय अजनबी पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। वो चाहते थे कि गुलशन कुमार उनकी अगली प्राइवेट एल्बम को स्पॉन्सर करे। गुलशन इस बात के लिए राजी नहीं हुए। बस इतनी सी बात ने इन दोनों के बीच में कड़वाहट पैदा कर दी। उस एल्बम में कुछ छोटी मोटी तकरारें ऐसी आई थी कि भाई वो पब्लिसिटी ठीक से नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये मामूली बातें तो रोज होती है हमारी इंडस्ट्री में। तो गुलशन जी से जस्ट एक वो बात थी कि गुलशन जी क्या हो रहा है, आप समझे ना। तो वो उन्होंने भी बहुत फ्रेंकली बात करी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है श्रवण भाई, नदीम भाई छोड़िए उस बातों को और लेट्स एक फिल्म का काम शुरू करते हैं हम लोग। तो ये सारी बातें चल रही थी उसमें, न जाने कहाँ से किसने क्या हुआ, यू नो इट वाज सो सैड, यू नो कि नदीम जी का नाम खामोखा उछाला गया। टिल सम टाइम बैक नदीम श्रवण एंड गुलशन कुमार हैड शेयर्ड एन एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तीनों ने मिलकर कुछ शानदार म्यूजिक दुनिया के सामने पेश किए थे। थिंग्स गॉट बेटर फॉर द टू जब गुलशन कुमार डिसाइडेड टू पुट इन कॉन्फिडेंस इन देयर ट्यून्स। द करियर ऑफ नदीम श्रवण, उसका पूरा श्रेय मैं गुलशन जी को देना चाहूँगा। नदीम श्रवण के करियर में करीब करीब 14-15 साल हो गए थे। हम लोगों ने 15-20 फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी नदीम श्रवण के करियर में महसूस हो रही थी हम लोगों को। गुलशन जी ने बहुत प्यार दिया और कहा कि भाई आप हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। गुलशन कुमार ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म आशिकी में दो न्यू कमर्स को मौका दिया और उन्होंने इतनी शानदार धुनें भर दी कि फिल्म सुपर हिट साबित हुई। और उन्होंने ये कहा था कि राहुल तुम देखना, आशिकी जिस दिन रिलीज होगी उससे पहले इसके जो गाने हैं, हिंदुस्तान में हर बच्चा इसके गाने गाएगा, हर ऑटो रिक्शा में मैं इसके गाने चलवाऊंगा और ये देखना कि पूरे हिंदुस्तान में इसके गाने गूंजते रहेंगे। I remember the time when he launched Aashiqui and the ads were there everywhere, you know, including the back of washing powder also and agarbatti also. You name it and the ad was there. Aashiqui naam ki film ke beshumar posters mein do anjaan chehre raaton raat logo ke dilon ki dhadkan ban gaye aur inhi posters mein niche ki taraf do B grade music directors ke bhi chehre dikhai diye. अब तक अनजान जोड़ी नदीम श्रवण को पॉपुलर फिगर्स बनाने में फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे में अगर गुलशन कुमार इन्हीं कंपोजर्स का साथ देने से इनकार कर दे तो नदीम श्रवण को बुरा तो लगा होगा, लेकिन क्या ये सेटबैक इतना बड़ा था कि नदीम जैसा सेंसिटिव संगीतकार हत्या की साजिश तक कर सकता था? पूछताछ के दौरान अली शेख ने कुछ ऐसे फैक्ट्स पेश किए जो इस जिग्सॉ पजल में एकदम फिट बैठ गए। उन्होंने बताया कि जून के महीने में नदीम ने दाऊद के लिए दुबई में एक सीक्रेट फंक्शन का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने बिना कोई पैसे लिए परफॉर्म किया। द केस सडनली स्वेल्ड अप विद द बिग नेम्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट, चंकी पांडे, बोनी कपूर, आदित्य पंचोली, दीप्ति भटनागर, मिलन सोमन, मलाइका अरोड़ा, रक्षंदा खान, दीपक तिजोरी, अतुल अग्निहोत्री एंड साजिद खान। और इससे भी ज्यादा बात तब बढ़ गई जब ये बात सामने आई कि नदीम ने ये शो गुलशन कुमार के लिक्विडेशन के लिए ऑर्गेनाइज किए थे और वो सब लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे उन्हें इस साजिश के बारे में सब मालूम था। जो लोग शोज में गए थे और जो भी लोग इन्वॉल्व किए गए थे,
वो उनका नेक्सस अगर किसी अंडरवर्ल्ड वाले के साथ था तो वो अपने एक वन टू वन के हिसाब से था। ये ज़रूरी नहीं कि वो अंडरवर्ल्ड वाला क्या गेम खेल रहा है, कैसे कैसे प्लॉट्स कर रहा है, वो थोड़ी इनको बता के करेगा। इन सभी बॉलीवुड हस्तियों को कड़ी पूछताछ से गुजरना पड़ा। हालांकि पूछताछ से सिर्फ एक बात उभर कर सामने आई, इब्राहिम स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्री। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड नेक्सस, ये टर्म ही एक तरह से तब से प्रचलित होनी शुरू हुई। कैसे बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा आ रहा है, किस तरह से दुबई से लोग फ़ोन करके डिसाइड करते हैं कास्टिंग, या इस तरह की जो अफवाहें सिर्फ हमेशा रहती थी, वो बाद में भी कोई तथ्यात्मक प्रूफ में तब्दील नहीं हुई, लेकिन वो अफवाहें जो बंद कमरे में लोग एक दूसरे से जानकारी खास होने पे ही सिर्फ जिन पे चर्चा करते थे, वो एक तरह से खुले बाजार में फिर वो चर्चा शुरू हुई। On the 17th of September, Scotland Yard, the London arm of the British police, took Nadeem into custody on an arrest warrant issued by a Bombay Metropolitan judge. और उसी दिन नदीम और एक बिजनेसमैन ने 1,00,000 pound की श्योरिटी जमा कराई और नदीम बेल पर रिहा हो गए। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें नॉर्थ लंदन में अपने घर के पास पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते रिपोर्ट करने को कहा गया। बहुत कठिनाइयों से नदीम को गुजरना पड़ा, उसका कैरियर शटर हो गया, उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हुई, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी उसे। ये बात तो सत्य है क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा, मैंने कई बार दर्जनों बार मुझे लंदन जाना पड़ा इस मुकदमे में, तो मैंने देखा उसके घर की हालात देखे मैंने। मुंबई में एक और अरेस्ट वारंट ने दस्तक दी एक और दरवाजे पर। टिप्स कैसेट के मालिक रमेश तुरानी, वारंट में कहा गया था कि ही हैड मेड बिग पेमेंट्स टू गुलशन कुमार किलर्स। तुरानी को झटका लगा, उन्होंने तुरंत अपने वकीलों से बात करने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मुंबई पुलिस का दावा था दैट ही हैज एबिटेड द क्राइम और मोटिव था प्रोफेशनल राइवलरी। ये सच था कि गुलशन कुमार ने अपने बिजनेस राइवल्स के लिए मार्केट बर्बाद कर दी थी, वो बेशुमार दौलत कमाना चाहते थे। हर कोई गुलशन कुमार की सफलता का मंत्र जानता था, दूसरों के साउंडट्रैक्स की सस्ती पायरेटेड कॉपीज बनाकर बेचना। बल्कि 1979 में जब गुलशन कुमार बिजनेस में आए तो उन्होंने HMV के ही म्यूजिक कैसेट्स को कंपाइल किया और टी सीरीज की रिकॉर्डिंग बनाकर बेच दिया और इस बात ने लेजिटिमेट म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। और इससे पहले कि HMV वगैरह अपनी कीमत कम करते, गुलशन कुमार खुद लेजिटिमेट म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके थे टी सीरीज के साथ। उनकी फ्लैगशिप कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज ने लो प्राइस हाई वॉल्यूम के सक्सेस मंत्र से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे एक रेवोल्यूशन ही ला दिया था। He was a person of the layman, you know, and he saw to it that he could give the best possible quality at the cheapest price, you know, because basically he wanted to reach millions. दूसरी कंपनीज की रातों रात नींद उड़ गई जब गुलशन कुमार ने उनके म्यूजिक का कवर वर्जन निकालना शुरू कर दिया। पर कवर वर्जन का ट्रेंड यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने नई फिल्मों के भी कवर वर्जन निकाले। कैसेट्स पर एकदम छोटे प्रिंट पर लिखा था कि ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं है। Their songs were repeated by his own talent team and in the same tone and in the same music, and he got away with it. In the initial stages, it could have been termed as piracy, but it was legitimized later through a court battle. So now everybody is doing it. बरसों के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक HMV का नाम सुना था. We heard of one stray music company coming up कहीं भी, लेकिन I think एकदम से phenomenal rise जो था that was of Gulshan Kumar and T series. He was like the Dhirubhai Ambani of the film music industry. T series की rise से बाकी सभी music companies के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे और पुलिस के मुताबिक जिस इंसान को Gulshan Kumar की सफलता से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वो था टिप्स कैसेट्स का मालिक रमेश तुरानी। I don't know आज तक कि ऐसा क्यों हुआ, और ये कोई ऐसी बात नहीं होती, यू नो, बिजनेस राइवलरी ये बहुत एक फॉल्टी रीजन है, यू नो, कि ऐसा करके किसी को फ्रेम करना। आई थिंक आई वॉज फ्रेम।
और इस सब के दौरान कोशिश ये की जा रही थी कि किस तरह नदीम को इंडिया वापस लाया जाए। तब नदीम को मुंबई पुलिस के इरादों पर शक था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। He maintained that he would not get a fair trial in India. पहले ये घोषणा कर देना कि नदीम प्राइम एक्यूज्ड है, जबकि नदीम के खिलाफ उस दिन जिस दिन ये घोषणा की गई रत्ती बराबर भी सबूत नहीं था ये फाइंडिंग, और उसके बाद सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करना। अब चूंकि आप पहले ही ये कह चुके हैं कि सारी दुनिया से ये कह चुके हैं कि नदीम के खिलाफ हमारे पास बहुत ढेर सारा सबूत है, उस वक्त सबूत आपके पास कुछ नहीं था, वो आप झूठे साबित हुए। उसके बाद उस बात को बनाए रखने के लिए आप झूठे सबूत बनाएं, ऐसा वहाँ की अदालत ने कहा। तो ये बड़ी दुख की बात है। यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 3 साल चले लंबे लीगल बैटल में ईयर 2000 में नदीम अपना केस जीत गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज केस ऑफ एक्सट्रेडिशन वाज रिजेक्टेड। आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द वे आवर पुलिस वर्क, क्योंकि उन्होंने केस ही ऐसा बनाया था जिनके ऊपर कोई भी ओल्ड बेली हो या कोई भी इंग्लिश कोर्ट हो, वो उनको एक्सट्रेडाइट नहीं कर सकते। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बाहर आया तो मुझे वहाँ के टेलीविजन चैनल्स ने घेर लिया था, CNN और BBC और वहाँ के कुछ और स्कॉटलैंड वगैरह। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ही खुश होंगे कि आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। तो मुझे याद है मैंने उनसे कहा था कि मैं बहुत खुश होने की बजाय बहुत दुखी हूँ, और उसकी वजह से ये कि अगर मेरे एक हाथ में मेरे पक्षकार नदीम की सफलता है तो दूसरे हाथ में मेरी अपनी पुलिस और मेरी अपनी सरकार के लिए बहुत कड़े अल्फाज में निंदाएं हैं और मुझे इसका दुख होता है। लंदन कोर्ट इज नॉट सुप्रीम टू आवर कोर्ट हियर, आवर जुडिशरी। आवर जुडिशरी स्टिल हैज केप्ट हिम एज अ वांटेड। इधर नदीम ने साफ साफ कह दिया था कि अब वो इंडिया सिर्फ एक ही सूरत में आएंगे, जब उनके खिलाफ सभी केस वापस ले लिए जाएं। मुझे बोलते हुए बहुत दुख भी होता है और शर्म आती है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। कोई सबूत नहीं आज तक है, कोई पुख्ता कोई बात नहीं है, जस्ट किसी का नाम चाहिए, इसलिए वो नदीम जी का नाम जो है अनाउंस किया गया। इस केस को सही दिशा तब मिली जब जनवरी 2001 में कैलकटा पुलिस को सूचना मिली कि गुलशन कुमार मर्डर केस में इन्वॉल्व अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल रौफ दाऊद मर्चेंट कैलकटा में ही छुपे हुए हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने कई बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जांचना शुरू कर दिया, खास करके हवाला लीक्स, क्योंकि शार्प शूटर को पैसे देने के लिए कोई बैंक अकाउंट खोला गया होगा और कैश जमा होते ही तुरंत निकाल भी लिया गया होगा। पुलिस ने कैलकटा में 22 बैंक ब्रांचेस के ATM कार्ड्स छान मारे। सिर्फ एक ही अकाउंट ऐसा था जिसमें 1,00,000 रुपए मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन बैंक में जमा कराए गए और कुछ ही मिनटों में ATM से निकाल भी लिए गए। पुलिस ने उस अकाउंट पे नजर रखनी शुरू कर दी। आखिरकार 8 जनवरी को रौफ पैसे निकालने ATM आया और जैसे ही वो बाहर निकला पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में रौफ ने कन्फेस किया कि कयूम ने उसको गुलशन कुमार को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उस काम के लिए उसको 1,00,000 रुपए मिले थे। रौफ ने फिर अपने साथियों के नाम भी उगल दिए जिन्होंने उसे गुलशन कुमार को दिखाया, हिटमैन अनिल और स्पॉटर आदिल। पुलिस ने उसके दोनों साथियों को भी ढूंढ निकाला। आदिल तो पकड़ा गया और अनिल पुलिस से भागने के चक्कर में मारा गया। पुलिस मर्डर करने वालों को पहचान कर पकड़ने में कामयाब हो रही थी, पर अभी तक जिन्होंने ये मर्डर प्लॉट किया उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाई थी। कौन थे वो मास्टरमाइंड्स? Were Nadeem and Turani the red herrings in the case? The possibility became even bigger. जब इनके खिलाफ केस कोर्ट में कमजोर पड़ने लगा, अली शेख ने अपने बयान कोर्ट में बदल दिए। He turned hostile. हालात और ज्यादा तब बिगड़े जब इस केस के प्राइम विटनेस KK बलसारा, जो इस केस में रमेश तुरानी का इन्वॉल्वमेंट साबित कर सकते थे, उनकी मिस्टीरियस हालातों में मौत हो गई। बलसारा की लाश पुलिस हेडक्वार्टर्स के टॉयलेट में मिली। पास ही GT हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मौत हार्ट फेलियर से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी डिक्लेयर ही नहीं की गई। 25 दिसंबर 2001 KK बलसारा के दोस्त आरिफ लकड़वाला ने दावा किया कि उन्होंने ही अबू सलेम और हत्यारों के बीच मनी ट्रांसफर की थी।
He introduced KK as a builder who was facing trouble regarding his land dispute. और जब ये मामला सेटल करने के लिए अबू सलीम को रेफर किया गया तो बलसारा को एश्योरेंस दी गई कि उन्हें 7.5 करोड़ रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 27 जून को बलसारा और आरिफ पैसे लेने के लिए जुहू के एक शेड्यूल्ड स्पॉट पर गए थे। एक टाटा एस्टेट आई और दो लोगों ने बलसारा को 2 बॉक्सेस में 2.5 करोड़ रुपए निकाल कर दिए। आरिफ लकड़वाला का कहना है कि ये दोनों कोई और नहीं रमेश तुरानी और नदीम थे। 5:45 लकड़वाला को शायद अबू सलीम का फोन आया। उसने उसे नागपाड़ा के सागर होटल के बाहर इंतजार करने को कहा। 3 persons approached him from the compound opposite the cafe. 2 boxes containing the money was handed to the trio. लकड़वाला ने कोर्ट में बताया कि हालांकि उनकी इन्वॉल्वमेंट यहीं पर खत्म हो गई थी पर उन्हें पता था कि ये पैसा असलियत में कहां से आया। लकड़वाला की टेस्टिमोनी को सही साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। ये कभी निश्चित तौर से साबित नहीं हो पाया कि मनी ट्रांजैक्शन किन के बीच और क्यों और कैसे हुआ। अगर नदीम और तुरानी वहां मौजूद भी थे तो क्या उन्हें बड़ा गेम प्लान मालूम था या वो खुद ही अंडरवर्ल्ड के शिकार थे। पैसा कहीं से भी आया हो किसी भी कारण से आया हो बट द मनी हैड डेफिनेटली रीच द डेजिग्नेटेड हैंड्स। और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन गुलशन कुमार का मशीन गन वाला बॉडीगार्ड छुट्टी पे था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये महज एक इत्तफाक था या प्लान कोइंसिडेंस। इधर गुलशन कुमार मंदिर जाने के लिए कार में बैठे उसी वक्त अंधेरी के उस शिव मंदिर के नजदीक 3 गुमनाम लोग पहुंचे। रोजाना की तरह गुलशन कुमार 10 बजे मंदिर पहुंचे और अंदर चले गए। वही 3 लोग बाहर शिवा हेयर कटिंग सलून के पास गुलशन कुमार के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। गुलशन कुमार ने 40 मिनट पूजा की और 10:40 में बाहर आए। सिक्योरिटी के लिए आपका रूटीन बदलना चाहिए, आप एक ही रूटीन फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका जो रूटीन था कि वो वही मंदिर में जाएंगे, वही प्रेयर करेंगे, उसी टाइम पे जाएंगे, उन्होंने रूटीन नहीं बदला। और जब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे तभी वो दोनों शूटर्स गुलशन कुमार की तरफ आगे बढ़े, उनको गालियां दी और उन पर पहली गोली चला दी। गुलशन कुमार छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। हत्यारों ने 17 और गोली उनके शरीर में दाग दी। वो दोनों और उनका तीसरा साथी जो पास ही में इंतजार कर रहा था नजदीक के टैक्सी में बैठे और निकल गए। पुलिस को स्पॉट में पहुंचने में 30 मिनट लग गए। जब तक वो पहुंचे तब तक गुलशन कुमार की जान जा चुकी थी। किस्मत का मजाक कहें या महज इत्तफाक कि भगवान के इतने बड़े भक्त की हत्या ठीक उसके प्रिय भगवान के घर के बाहर इतनी बेरहमी से हुई। वो भगवान को भी बहुत मानते थे। वैष्णो देवी में उन्होंने जो लंगर शुरू किया था वो आज भी लोग जाते हैं और आज भी उनको वो फ्री खाना मिलता है। जगह जगह आप वैष्णो देवी जाएंगे तो उनका फोटो लगा है हर दुकान में, हर कोने पे। सो यू सी वो बहुत मानते थे भगवान को और उन्होंने काफ़ी कुछ किया है फॉर टेम्पल्स एंड फॉर हिज रिलीजन। लेकिन तो इस वजह से और उनकी जो सक्सेस स्टोरी भी है वो सब देख के किसी ने फोकस नहीं किया होगा कि उनकी डेथ इतनी भयानक होगी। गुलशन कुमार की हत्या का केस मुंबई कोर्ट में 5 साल से भी ज्यादा चला। 2 बार लंबी लंबी चार्जशीट भी सबमिट की गई। पहली बार 26 लोगों पर इल्जाम लगा दिया गया और दूसरी बार 19 पर सिर्फ एक को ही दोषी करार साबित किया जा सका, हिटमैन अब्दुल रौफ। उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आदिल को छोड़ दिया गया क्योंकि रौफ की गवाही को कोर्ट में सबूत नहीं माना गया। If it was just one person who's put behind bars, then it's a wrong thing. मैं ये समझता हूँ कि बिचारे को बलि का बकरा बनाया गया होगा। Because it cannot be a one man's job. It's ridiculous. नदीम और तुरानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं साबित हो सके कि गुलशन कुमार के मर्डर में इनका हाथ था। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस किसी ने गुलशन कुमार के मर्डर की साजिश रची
उसका किसी को पता भी नहीं चला और वो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा कि उन्हें पकड़ा जा सके। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट की मैटर है, तो उसमें गुप्तता बहुत आवश्यक है। अगर आपने पहले ही दिन ढोल बजाना शुरू कर दिया कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अगर आपने बातें पहले ही खोल दी तो आपने गुनहगारों को शह दे दी कि वो सबूत मिटाने के काम में लग जाएं। बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में कभी कभी रिजल्ट कभी नहीं मिलता है एंड में, तो आई थिंक इनका इन ये केस में भी वही होने वाला है। आई डोंट थिंक विल एवर फाइंड द किलर। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज गुलशन कुमार की हत्या के बाद भी चलती रही। बिजनेस को एक बार झटका तो लगा, पर अब भूषण कुमार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज टी सीरीज का एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन डॉलर्स है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 70-80%। यूट्यूब में इट हैज अ रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन द वर्ल्ड। कहते हैं वक्त सारे घाव भर देता है, लेकिन गुलशन कुमार की हत्या का ये अफसोस हमेशा रहेगा। इट वॉज अ लाइफ ऑफ ब्रिलियंस क्लिप शॉट। वो पहले इंसान थे जिन्होंने आर्टिस्ट को इतना बढ़िया पेमेंट किया, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने सरकार को भारी मात्रा में टैक्स पे करना शुरू किया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इतने सस्ते दामों में संगीत आम आदमी तक पहुंचाया, और वो शायद आखिरी इंसान थे जो इतना दिल दहलाने वाला अंत डिजर्व करते थे। Some more questions probing fairness in the controversies surrounding the Bollywood personalities coming up in the next episode of Bollywood Controversies Picture Factory। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं।